2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले काफी वक्त से कई तरह का गलत और जनरेटेड कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। कहीं वीडियो में अलग से ऑडियो ऐड किया जा रहा है तो कहीं पर ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। स्क्रीन पर दिख रहा कंटेंट ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है। बीते दिनों आमिर खान के एडिटेड वीडियोस शेयर कर कहा जा रहा था कि उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। ऐसे में हाल ही में मशहूर एक्टर रणवीर सिंह का ये वीडियो इंटरनेट पर काफी शेयर किया जा रहा है। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन और दर को, हमारी बेरोजगारी को, हमारी महंगाई को। क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब अन्याय काल की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारी विकास, हमारी न्याय को मांगना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सोचो और वोट दो। जिन्हें देश की फिक्र है वो न्याय के लिए वोट देगा। वोट फॉर न्याय, वोट फॉर कांग्रेस। यूजर्स कह रहे हैं कि एक्टर मोदी की आलोचना करते हुए दिखे। हालांकि वीडियो देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इसके ऑडियो में कुछ ग्लिच है। कीवर्ड सर्च करने पर हमें ANI का ये वीडियो मिला। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह, कृति सैनन और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। इस वीडियो में वायरल वीडियो से अलग रणवीर सिंह ये कहते हुए दिखे। मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी लेगेसी को। क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब मॉडर्निटी की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारे रूट्स, हमारी कल्चरल हेरिटेज ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए विकास भी, विरासत भी, और वही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर का जो एक मिश्रण है, तो ये उसका एक एक काशी आके ना, काशी इज दैट, ये जगह जो है ये तो इतिहास से भी पुरानी है, परंपरा से भी पुरानी है। तो यहाँ ये साफ हो जाता है कि ये वायरल वीडियो एडिटेड है और इसमें ऑडियो के साथ छेड़छाड़ कर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि रणवीर सिंह ने PM मोदी की आलोचना की। ये महज डीप फेक वीडियो का एक अच्छा एग्जाम्पल है।